केंद्र सरकार के द्वारा 5 साल पहले शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बेगूसराय के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। कल तक जो किसान बिना जानकारी के खेत में बेहिसाब खाद, बीज और पानी डालकर घाटा की खेती करते थे, आज वो कम लागत में मुनाफे की खेती कर रहे हैं। बेगूसराय में बड़ी संख्या में किसान केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए संचालित योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। उन्हीं में से एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है। इसमें किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच कराते हैं और मिट्टी की मांग के मुताबिक फसल लगाकर उसमें खाद पानी डालते हैं। संतुलित मात्रा में खाद, बीज और पानी डालने से किसानों को कम लागत में अच्छी पैदावार होती है। गणतंत्र दिवस पर सुखसेना गांव निवासी मेजर जनरल और सर्जन डॉक्टर सुशील कुमार झा को पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल ने विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया। कोरोना के चलते बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा डॉक्टर सुशील कुमार झा को ये पदक प्रदान किया गया। सुशील कुमार झा को इस पदक के मिलने से पैतृक गांव सुखसेना में खुशी की लहर है। मेजर जनरल डॉक्टर सुशील कुमार झा ने इस साल से पुणे स्थित सैनिक हृदय वक्ष संस्थान AICTC में कमांडेंट के पद पर कार्यरत हैं। वहीं पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद सुशील कुमार झा की मां सुधा देवी और पिता श्यामानंद झा ने कहा कि ये काफी गौरव का क्षण है। अपने एक दिवसीय दौरे पर बक्सर के चौगाई पहुंचे बिहार सरकार के कृषि सहकारिता और गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, अपने गांव चौगाई में पहुंचने पर गाजे बाजे के साथ मंत्री का स्वागत किया गया। अभिनंदन समारोह में पहुंचे कृषि मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करते हुए ग्रामीणों और किसानों को संबोधित किया। देखिए, मैं नहीं कह सकता कितने दिन में हो जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2022 तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। यहाँ पे मूल समस्या है गन्ना उद्योग यहाँ नहीं है। देखिए, गन्ना उद्योग तो है ही नहीं है, इसलिए उसकी कोई समस्या नहीं है। यहाँ के किसान पैदा करते थे गन्ना, तो अपना गुड़ बनाते हैं, ये करते हैं। और आपने बताया कि यहाँ 4-4 चीनी मिले थी इस दक्षिण बिहार, आज वो चीनी मिले नहीं। सरकार की योजना होगी, देखें जमीन उपलब्ध है, सरकार की योजना बनेगी तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि यहाँ गन्ना मिले। कटिहार में सुपर पावर ग्रिड निर्माण के प्रस्तावित स्थान को लेकर कोहराम मचा हुआ है। कोढ़ा विधानसभा में सुपर पावर ग्रिड बनना है और इसके लिए 150 एकड़ जमीन की पहचान है। इस सुपर ग्रिड के बनने से इलाके में 24 घंटे बिजली का इंतजाम रहेगा। साथ ही पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक बिजली पहुंचाकर सरकार को अच्छा राजस्व आएगा। लेकिन नक्शे के मुताबिक 150 एकड़ की जो जमीन प्रस्तावित की गई है, उस जमीन के अधिग्रहण का जमीन के मालिक विरोध कर रहे हैं। दिघरी गांव के 100 से ज्यादा किसान परिवार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जहानाबाद में इंटरमीडिएट परीक्षा में कदाचार के आरोप में निष्कासित हुई छात्राओं और उसके परिजनों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। आक्रोशित परिजनों ने विद्यालय के गेट और पुलिस पर पथराव किया। मामला नगर थाना क्षेत्र के राज्य संपोषित बालिका विद्यालय के पास का है। वहीं जाम की सूचना मिलने के बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, आक्रोशित छात्रों को समझाने बुझाने में लग गई। कल राज संपोषित इंटर कॉलेज में यहाँ पे जो हमारे मैजिस्ट्रेट थे उनके द्वारा 27 लोगों को एक्सपेल किया गया, तो उसी को लेके कुछ विवाद था। तो यही जो स्टूडेंट हैं वो आज आए थे, तो आज उनको एग्जाम में बैठने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी, तो उसी के कारण थोड़ा इशू हो गया था। बट हम उनको अभी समझा दिए हैं कि स्पेशल एग्जामिनेशन जो इनका अप्रैल में होगा उसमें इनको अनुमति दिया जाएगा। और एक और मांग थी कि फीस माफ़ी को लेके, तो हम इनको इसमें ये कहा है कि ये अपना एक आवेदन देंगे, उसको हम DM सर के माध्यम से जो स्तर होगा वहीं से इसका निपटारा करेंगे। मधेपुरा पुलिस ने पेट्रोल पंप और आलू व्यवसायी की दुकान में हुई लूट का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पिछले दिनों पार्वती रामचंद्र पेट्रोल पंप और मधेपुरा रेलवे स्टेशन के सामने स्थित आलू व्यवसायी की दुकान में हथियार के बल पर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इन दोनों घटनाओं के बाद गहन छानबीन करते हुए दोनों घटनाओं में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, लूटे गए 48,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के एक बार फिर से घर वापसी के आसार हैं। जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जदयू में विलय के सवाल पर कहा कि उस दिशा में सकारात्मक बात हो रही है। याद रहे कि उपेंद्र कुशवाहा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रूठने और फिर उनसे जुड़ने का ये पहला मौका है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू की। नीतीश कुमार ने उन्हें आगे बढ़ाया। हालांकि कई बार मतभेदों की वजह से उपेंद्र ने पार्टी छोड़ी और फिर वापस आ गए। बिहार के नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के पपर नौसा गांव निवासी एथलीट आनंद कुमार की मदद के लिए सोनू सूद उस वक्त सामने आ गए जब घुटने की समस्या को लेकर पीड़ित शख्स ने सोनू सूद को ट्वीट किया।
दरअसल ट्रिपल जंप के एथलीट आनंद को 2018 में हरियाणा के रोहतक में नेशनल गेम पार्टिसिपेंट के दौरान घुटने में गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद वो काफी परेशान रहने लगा। परेशानी बढ़ने पर उसने सोनू सूद को ट्वीट कर अपनी परेशानी बताई। रिट्वीट करते हुए सोनू सूद ने आनंद के लिए गाजियाबाद के हिलिंग ट्री हॉस्पिटल में मुफ्त ऑपरेशन की व्यवस्था कराई। अब आनंद को अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। भोजपुर जिले में अपराध घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। अपराधी लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ जिले के नारायणपुर थाने के मंडनपुर गांव में पूजा करने जा रहे पूर्व मुखिया को अपराधियों ने गोली मार दी। वहीं दूसरी घटना पीरो थाने के रसौली गांव की है, जहां शराब पीने के बाद हुए विवाद में अपराधियों ने महिला को गोली मार दी। घटना तब हुई जब महिला अपने घर में सोई थी। गया के विधायक और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का सरकारी बंगला उनसे ले लिया गया है। अब वो 8 पोलो रोड पर रहेंगे। कहने को तो ये मंत्री से पूर्व मंत्री बनाने का असर है, लेकिन प्रेम कुमार के लिए ये मामला संजीदा हो चला है। बंगला छीनने के साथ उनके मंत्री बनने के सपने पर भी पानी फिर गया है। उन्हीं की पार्टी के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव को पूर्व मंत्री के तौर पर पुराना बंगला मिल गया है। वो 2 स्टैंड रोड स्थित बंगले में ही रहेंगे।